नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है आइशर की 6019 बर्थ चेसिस। तो देख सकते हैं फ्रंट साइड से जो लुक है इस प्रकार आता है। अभी बॉडी बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है, नीचे जो बेस के एड़ी है वो अभी लग चुके हैं। इसमें फ्रंट साइड में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इंडिकेटर है। ये तो निकल जाएंगे बाद में जब बॉडी बिल्डर इसमें बस बनेंगे तो बहुत अलग अलग स्टाइल के हेडलैम्प्स में लगेंगे। फ्रंट रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाली लगी हुई है, यहाँ पर अंदर रेडिएटर और कंडेंसर यूनिट इसका। एयर कंप्रेसर को माउंट करने के लिए यहाँ पर स्पेसिंग दी गई है। एसी कंप्रेसर की जो पुली दोस्तों वो यहाँ पर दी गई है। इंजन से यहाँ पर डायरेक्टली मूवमेंट आएगा और यहाँ पर एसी कंप्रेसर फिट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से एसी वगैरह आराम से चल सकता है। और कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रोविजन दिया है और कंप्रेसर की जो वाइब्रेशन है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर इसका फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पर कूलन टैंक, यहाँ पर इसका स्टीयरिंग गियरबॉक्स है, यहाँ पर इसका एयर इंटेक यहाँ से, और इसका एयर फिल्टर लोकेशन यहाँ पर है। फ्रंट एक्सल पर आपको दिया गया है 295/80R 22.5 सेक्शन के टायर, यानी कि 22.5 इंच के टायर आपको इसमें मिल जाएंगे। और फ्रंट एक्सल पर इसमें एयर सस्पेंशन दिया गया है। आइशर की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट बस चेसिस में से एक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर इसका ATS यानी कि आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है। यहाँ पर एडब्ल्यू टैंक है, अराउंड 52 लीटर के आसपास इसमें एडब्ल्यू आ सकता है। यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक लोकेशन है, यहाँ पर पॉलीमर बेस्ड फ्यूल टैंक आपको दिया गया है। यहाँ पर देख सकते क्रॉस सेक्शन में भी डाल दिए। यहाँ पर रियर एक्सल पर भी आपको यहाँ पर एयर सस्पेंशन दिया गया है, मतलब गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल होने वाला है बहुत बढ़िया होने वाला है। इसकी फुल्ली बिल्ट वेरिएंट की जो वीडियो हमने पहले डाल चुके हैं, बट ये 6019 अभी एक्चुअल वर्कशॉप में है और ये बिल्कुल फ्रेश पीस है और 2023 मॉडल है। और ये इसके टेल लैंप्स, अभी टेल लैंप्स को तो खोल के रख दिया है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है। साथ ही साथ ये देखिए, और इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर इस प्रकार इसके दिखते हैं। जब बॉडी बनकर रेडी हो जाएगी तब इसको माउंट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ ये चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर अभी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत है। कम से कम 2-3 महीने में गाड़ी बन जाएगी पूरी। यहाँ पर 4 न्यूमेटिक टैंक्स हैं, बैटरी कटआउट स्विच, अभी बैटरी भी निकाल दी गई है क्योंकि बॉडी का काम चलता है, वेल्डिंग वगैरह काम चलता है, तो कोई मतलब रिवर्स करंट फ्लो ना हो और साथ ही कुछ शॉर्ट सर्किट का इशू ना हो, इसकी वजह से भी बैटरी वगैरह निकाल दी जाती है बॉडी बिल्डिंग के समय। जब पूरी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी तभी इसमें बैटरी माउंट कर देंगे। यहाँ पर इसका ट्रांसमिशन, ये इसका कैबिन सेक्शन, अभी तो कैबिन बना नहीं है बट ओवरऑल जो लुक है इस प्रकार आएगा और ऑलमोस्ट 1-2 महीने के बाद गाड़ी इस टाइप का शेप ले लेगी। और अभी हमें न्यू जांगिट कोच में, तो इसमें आपको मिलेगा 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर है आइशर का इंस्ट्रूमेंट लिस्टर जिसमें आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल लेवल गेज, RPM मीटर, ऑयल टेम्परेचर गेज दिया गया है। इसमें 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम मिलती है और इस बस में सेंट्रल साइड में MID यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी दिया गया है। यहाँ पर इसका 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, वैपको की ब्रेकिंग सिस्टम के कंट्रोल्स, यहाँ पर से कुछ कंट्रोल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल, इंडिकेटर और हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर, एग्जॉस्ट ब्रेक और हजार्ड लैंप का बटन दिया गया है। यहाँ पर हिल होल्ड का कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पावर मोड, इको मोड, इको प्लस मोड के कंट्रोल्स, रीजनरेशन ऑन, रीजनरेशन ऑफ करने के कंट्रोल्स, ABS, बैटरी कटआउट स्विच, हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट बटन और यहाँ पर OBD कनेक्टर दिया गया है। एक्सेप्ट ब्रेक क्लच आप देख सकते हैं। जब बस बॉडी बनती है तो अभी सीट भी निकाल दिया गया है कैबिन बनने के लिए। यहाँ पर इसका पार्किंग ब्रेक है। अब जानते हैं आइशर 6019 के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है कीमत। इस बस चेसिस की ऑन रोड प्राइसिंग ऑलमोस्ट 35 लाख रुपीस तक जाती है। इस बस की कुल लंबाई 13.5 मीटर की है, जिस पर आप 36 स्लीपर की बस बना सकते हैं। इस बस के फ्रंट एंड रियर एक्सल पर एयर सस्पेंशन देने के कारण इस बस की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी और ख़ासकर इस बस में जो व्हील बेस दिया गया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि इस बस का जो ओवर हैंग है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से घाट सेक्शन में इस बस को कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ बात कर ले कंपटीशन की, तो इस बस को कम्पीट करती है अशोक लैंड की 2513, टाटा 1822/69 और भारत बेंज की 1824 बर्थ चेसिस। इन तीनों बर्थ चेसिस की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ सेगमेंट में आइशर 6019 एक काफ़ी अच्छी बस चेसिस बनकर आ रही है, बहुत सारे ऑपरेटर्स इस बस को चूज़ कर रहे हैं। और अगर आप नई स्लीपर बस बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे कंसीडर कर सकते हैं। और इस बस चेसिस के अलावा आइशर कंपनी इस बस चेसिस पर आपको फुल्ली बिल्ट बस ऑप्शन भी देती है, जिसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 75 लाख रुपीज़ तक जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।